नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। लॉकडाउन के 17वें दिन भी एक्शन में दिखी मऊ पुलिस। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से मऊ पुलिस एक्शन में है। आपको बता दें, पूरे देश में इन दिनों कोरोना वायरस को लेकर 21 दिनों का लॉकडाउन है। 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान पहले तो कुछ लोग लॉकडाउन में बाहर निकलते रहे, लेकिन 16वें दिन से ये कड़ाई शुरू हुई। 17वें दिन आज शुक्रवार को पुलिस एक्शन में आई। मऊ पुलिस के एएसपी शैलेंद्र श्रीवास्तव खुद निकले शहर का जायजा लेने और उन्होंने बालनिकेतन तिराहे पर करीब 20 से ज्यादा बड़े छोटे वाहनों को सीज कर दिया। इस दौरान वे परवाह घूमते लोगों पर भी उन्होंने सख्ती अपनाई। उन्होंने दुकानों पर बैठे लोगों को वहां से हटवाया। उन्हें चेतावनी दी कि यदि ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सड़क पर चलने वालों को उन्होंने मास्क लगाकर चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मास्क लगाकर चलना जरूरी है, अगर वो नहीं चलते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर लोग सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। बिना किसी काम के सड़कों पर घूमना नहीं है। और सबसे तेज न्यूज भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें। अगर किसी काम से आप जाते हैं बाहर तो एक अकेले जाएं और वो काम पूरा करके जल्दी से अपने घर पर आएं। लेकिन इसके बावजूद कई लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद अब पुलिस फुल एक्शन में है। आपको बता दें, पुलिस ने 2 दिनों में कार्रवाई करते हुए सैकड़ों वाहनों को सीज किया है और कई लोगों पर जुर्माना भी लगाया है। ऐसे में मास्क न पहनने पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। लॉकडाउन को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किए जाने के लिए रोज रोज कार्रवाई करनी पड़ रही है। लोगों को कानून की जानकारी होने के बावजूद मनमर्जी से घूम रहे हैं। अभी मैं इधर से गुजरा तो मुझे लगा कि यहाँ अनुपालन कराया जाना जरूरी है, इसलिए यहाँ खड़े होकर के कार्रवाई कराई जा रही है। क्या किया जा रहा है सर इसमें? गाड़ियों को बेवजह लोग घूम रहे हैं, कोई न कोई रीजन बता देते हैं। एक छोटा सा कागज ले लेंगे, 4 महीने पुराने दवा का पर्चा ले लेंगे, सब आपकी आंखों के सामने कोई आवश्यक वस्तु वितरण लेके जब सारे पास कैंसिल हैं, 3-3 आदमी बैठा के घूम रहे हैं, तो कार्रवाई कराई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के मऊ जनपद में और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पुलिस एक्शन मोड में है। और एक्शन मोड में पुलिस यहां पर वाहनों की अब जो है वो लॉकडाउन के 17वें दिन एक्शन में आ चुकी है पुलिस। तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं मऊ के शहर कोतवाली के बाहर से, जहां पर आने जाने वाले लोगों पर भी अब सख्ती अपनाई जा रही है क्योंकि लॉकडाउन का 17वां दिन चल रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी व्यक्ति यहां से गुजरे वो मास्क लगा कर ही रहेगा। तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं मऊ जनपद के शहर कोतवाली के पास से। ये पुलिस ने कॉर्डन करके खुद शुरू किया है वाहनों का निरीक्षण। लगातार लोगों की आवाजाही है और लोग यहां पर आवाजाही कर रहे हैं और इस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है मऊ पुलिस। तस्वीरें सीधी मऊ जनपद से आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये मऊ पुलिस द्वारा। अनावश्यक रूप से जो भी लोग बाहर आ जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है पुलिस। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि एक्शन मोड में अब आ गई है मऊ पुलिस। मऊ पुलिस इसलिए क्योंकि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर को घरों में रहने के लिए कहा गया है। फिर भी लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, अनावश्यक रूप से निकल रहे हैं। और इसलिए खुद एएसपी शैलेंद्र श्रीवास्तव यहां पर मौजूद हैं यहां पर बाहर और ये कार्रवाई हो रही है। देख रहे हैं सीधे मऊ से तस्वीरें। ऑर्डर लेने आए थे? नहीं, जा रहे थे कॉलोनी से निकलवाने ऑर्डर। कहाँ के रहने वाले? गाड़ी कह रहे थे हम तुम्हें छोड़ दवा लेने के नाम पे बहुत लोग निकल रहे थे, तुम्हें निकल रहे नहीं, कहा तो दुकान बंद हो जाएगी।
ये दोनों बेंच और स्टूल हटा दीजिए। हाँ अरे हम ज़्यादा बड़ी दवाई से काम में आते हैं, हमको भी डॉक्टर ही नहीं आती, लेकिन हम ज़्यादा ये आप हटवा लीजिए, बेंच स्टूल अंदर करवा लीजिए। स्टूल बैठने के लिए नहीं है, आदमी आए ये दवा निकले, होम्योपैथिक दवा स्टोर में कोई इमरजेंसी दवा लेने नहीं आता, यहाँ बैठक बाजी करने आते हैं। बिना मास्क के घूम रहे हैं, गाड़ी में आगे बैठे, गाड़ी चलिए पीछे बैठे, गाड़ी के अंदर है कोतवाली में, सर पीछे बैठ जा रहे हैं आप, मत करिए डीएम साहब के, सर डीएम साहब से कोई मतलब नहीं है सर, ये बात जाइए डीएम साहब से बात करिए, नहीं सर कोई मतलब नहीं, बिना मतलब की बात करने का कोई मतलब नहीं है, डीएम साहब अरे सर हम गलती हो गए, पीछे बैठ जा रहे हैं, पीछे नहीं जो इंस्पेक्टर कह रहे हैं सुनिए, जो इंस्पेक्टर कह रहे हैं वो कहिए, नहीं सर चीज बचती है सर, चीज देखिए सारी सर वही दवा मिलती है सर, और कहीं मिलती नहीं है सर, सर सर दवा कहीं मिलती नहीं है सर, इतना भी सुना सर, चलान काट सर, चलान काट दीजिए सर, अरे सर 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 हम आपके सर अरे सर दवा लेना बहुत जरूरी है, अरे सर नहीं सर हम जाएंगे पिताजी क्या करते हैं, चलो दवा लेने इस नाम से नहीं जा सकते, कहाँ तुम्हारी वितरित करने वाली, इसको उठा के बंद करिए, नहीं ये वितरित वाली माल रहने दो राहत सामग्रियों का नाम तो आपस गए, तो सब चीज हर चीज नमस्कार नहीं, जिला प्रशासन जनपद मऊ सेवक फार्मेसी मेरे प्रतिष्ठान सेवक फार्मेसी निर्णय के अनुसार क्या उसने दवा ले जाने ले आने, तेरी दवा कहाँ है, घूम रहा है, कैसे जाने का।
कर दे ओके गाड़ी तो आपका चलाने 188 में कर दूं गाड़ी तो देखवे नहीं करूंगा क्यों गाड़ी में नहीं आपका चलाने 188 में क्यों न कर दिया जाए धारा 144 उल्लंघन में बैंक जाने पे भी मनाही है क्या कहीं तक पढ़े हैं आपने कानून पूछा तो आपकी शिक्षा पूछने बताऊं कहीं तक पढ़े हैं पोस्ट ग्रेजुएट है मुख्यमंत्री ने आदेश दिया जब मैं मुंह पे लगाया हूँ बिना इसके कोई नहीं निकलेगा सर मुख ये हेलमेट लगाए हुए है मैंने अच्छी बात है आप पैदल भी जा सकते हैं बैंक अगर मैं कहूँ तो अगर इसीलिए लिया गमछा अलाउड ही नहीं है गमछा आप अपना रख के रहिए खेती किसान के लिए प्रधानमंत्री ने बोला सर गमछा भी लगा सकते हैं प्रधानमंत्री नहीं मैं यही कुछ बोल रहा हूँ मास्क लगा के चलिए मैंने पहले पूछा ना कि 144 किलोमीटर में अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।